तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और हमने डिस्कस किया कि आपके कौन आते हैं यहाँ पे। ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, आपके डेनिश आते हैं, डच आते हैं, एंड ऑल्सो पोर्चुगीज। तो ये कुछ यूरोपियन पावर्स है जो इंडिया में आती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं कि यूरोप के लोग इंडिया में आ रहे हैं। यूरोप के लोग पहले भी इंडिया में आते थे, लेकिन इस बार आ रहे हैं ये सी रूट से। और अब सी रूट से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो जमीन का रास्ता था, जो आपका रेड सी वाला रूट था, उस रूट के ऊपर मोनोपोली किसकी हो गई है? कौन सा एम्पायर है रेड सी के ऊपर मोनोपोली रखने वाला, जल्दी बताओ। ऑटोमन एम्पायर सर। और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ऑटोमन जो है उन्होंने रेड सी के ऊपर क्या रख दिया है? आपकी मोनोपोली रख दी है, और वहां से कोई भी सामान आता तो उसके साथ ट्रेड अगर करना होता तो महंगा पड़ जाता है। तो ये चार कंट्रीज आ चुके हैं, चार कंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका रोल इंडिया में क्या क्या था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ वर्दी ओपोनेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे, हमें पता है कि हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ब्रिटिशर्स के ना एक बहुत तगड़े एडवर्सरी थे, जो भी थे आपके फ्रेंच। अब जो फ्रेंच है आपके, ठीक है, पहली बात तो याद रखनी है कि दे वर लास्ट अमंग द यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया। तो अमंग ऑल द यूरोपियन पावर्स दे वर द लास्ट, ओके। तो जैसे आपकी बाकी कंट्रीज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए थे, वैसे आपके फ्रेंच भी अपनी कंपनी बना के आए थे। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंच थे, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया? अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 1664, ठीक है। तो 1664 में आपका ये फ्रेंच कंपनी रखी जाती है, बनाई जाती है, और इसका जो पहला गवर्नर होता है, फर्स्ट गवर्नर, देखो वैसे तो बहुत रेयर है कि क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डिस्कस करने में। जस्ट रिमेम्बर कॉलबर्ट, ठीक है, पूरा नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉलबर्ट याद रखो कि कॉलबर्ट वॉज द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जो आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लेके आया, ठीक है। तो जैसे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली थी, या फरमान मिला था, चार्टर मिला था, तो वैसे आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चार्टर मिला था कि जाओ और इंडिया में ट्रेड करो, और फ्रांस से तुम अकेली ऐसे कंपनी होंगे जो आके यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया में एंटर कर जाते हैं और अपनी फैक्ट्रीज ओपन अप करते हैं, और जब अपनी फैक्ट्रीज को ओपन अप करते हैं तो जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री है ये होती है आपकी सूरत में। जैसे आपके अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में थी ना, तो वैसे भी इनकी पहली फैक्ट्री कब होती है? आपकी सूरत में होती है, और वो होती है 1667 में। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं ईयर तो लिख रहा हूँ लेकिन ईयर याद करना जरूरी नहीं है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने सेकेंड फैक्ट्री खोलते हैं, और सेकेंड फैक्ट्री वहीं पे खोलते हैं जहाँ अंग्रेजों की सेकेंड फैक्ट्री थी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। और ये फैक्ट्री खोलते हैं आपको 1669 में। देखो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो इनको बहुत जल्दी जल्दी परमिशन मिलते जा रही है, धीरे 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 धीरे, मतलब ये लोग अपना रूल बढ़ाते हैं। और होता क्या है कि इनको थोड़े ही समय में, ठीक है, एक शहर मिलता है जिसको मतलब आज हम कहते हैं पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी बनता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है। पौंडीचेरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह बनती है, जैसे जो भी यूरोपियन पावर इंडिया में आई है इनकी कोई ना कोई तो इम्पॉर्टेंट मतलब सेंटर ऑफ पावर रहा है ना। तो जैसे अंग्रेज, अंग्रेजों का मद्रास रहा, ठीक है, जैसे आपके पोर्चुगीज थे उनका गोवा रहा, डच थे उनका नागापट्टनम रहा, तो वैसे ही आपका जो फ्रेंच है उनका जो मेन सेंटर है वो कौन सा होता है? पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी इनको मिलता है आपका 1673 में, ठीक है। तो 1673 में ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है। ऑब्वियसली मैं आपको कह रहा हूँ कि ईयर यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, जो ईयर याद करना होगा आई डेफिनेटली टेल यू कि आप उसको याद कर लेना, ठीक है। तो दे रिसीव अ विलेज
द किंग ऑफ बीजापुर, या सिंपल आप कह सकते हो सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो जो आपको जो बीजापुर का किंग था, तो बीजापुर के किंग से पोर्चुगीज नेम कुछ लिया था, याद करो बताओ। गोवा सर। गोवा, ठीक है। तो शेर खान लोधी, ठीक है। तो जो बीजापुर का सुल्तान जिसका नाम था शेर खान लोधी था, ठीक है, और उसी को इन्होंने बाद में क्या कर दिया, पांडिचेरी बना दिया। दे फाउंडेड इट एज पांडिचेरी। और ये पांडिचेरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट बिकेम द मेन सेंटर ऑफ पावर। तो इनका मेन सेंटर ऑफ पावर की मतलब जो जगह गई तो आपके फ्रेंच गए, जैसे होता है ना कि अगर दिल्ली गई तो मुगल गए, ठीक है, या मद्रास गया तो अंग्रेज गए, तो वैसे ही अगर आपका पौंडीचेरी गया तो आपके फ्रेंच गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट सिटी बन गई, और इसी के आसपास की जो जगहें वगैरह हैं इन्होंने मतलब बना के रखी, ठीक है। अब जब फ्रेंच आते हैं, उस समय तक आपके डच थे, ठीक है, जब फ्रेंच आते थे डच थे, इनकी और डच की आपस में लड़ाई होती है, ठीक है, और डच इनसे छीन लेते हैं पौंडीचेरी, ठीक है, इनकी लड़ाई होती है डच के साथ, ठीक है, और डच जो है इनसे पौंडीचेरी छीन लेते हैं, और उसके सर आपकी बाद थोड़ी आवाज इनकी बफर हो रही है। हाँ आवाज में दिक्कत आ रहा है। ओके, जी इज इट सर, फॉर एवरीवन, इज इट फॉर एवरीवन? यस सर। नो। ओके सी, मेरे एंड से माइक का इशू हो सकता है, बट नेटवर्क तो मैंने एंश्योर किया कि नेटवर्क बिल्कुल क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ आवाज के रिगार्डिंग। अगर किसी और को भी इशू आ रहा है तो प्लीज हाईलाइट कर दो एक बार कि हमें भी इशू आ रहा है। देखो, अगर बफर कर रही है ना तो मोस्ट प्रोबेबली केस ये है कि तुम्हारे एंड के ऊपर दिक्कत है, ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो मेरे एंड पे दिक्कत है। ओके, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो आपके डच हैं वर्सेस जो फ्रेंच हैं आपके, इनके बीच में होती है स्ट्रगल। ऑब्वियसली ट्रेड करना है, डच भी हैं अंग्रेज भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस स्ट्रगल के दौरान जो आपके डच हैं, ठीक है, दे एक्वायर पॉन्डिचेरी। अब आपको मैंने कहा था ना कि अगर पॉन्डिचेरी को छेड़ोगे तो आपके जो फ्रेंच हैं वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनका मेन सेंटर ऑफ पावर है। तो उस जंग के दौरान जो डच थे आपके, डच ने आपका फ्रेंच के ऊपर अटैक किया और फ्रेंच से क्या छीन लिया, पॉन्डिचेरी छीन लिया, और उसके बाद जो ये फ्रेंच है जाते हैं प्यार भावना से कि हमारा इतना कोई मकसद था नहीं आपको हर्ट करने का वगैरह वगैरह, और एक ट्रीटी होती है, ठीक है। तो एक ट्रीटी होती है, इसके ऊपर ना आपका सीडीएस में क्वेश्चन आया था पिछले साल, बहुत पुराना क्वेश्चन मिले, पिछले साल सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ट्रीटी के तहत जो फ्रेंच थे उनको डच ने पोर्चुगीज, सॉरी, जो पॉन्डिचेरी है वो वापस कर दिया था, तो उसको हम कहते हैं आपका ट्रीटी ऑफ रेसिक, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ रेसिक जो थी आपकी, ये साइन होती है 1693 में, ठीक है, एंड अंडर दिस ट्रीटी पॉन्डिचेरी वॉज रिस्टोर्ड टू फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब फ्रेंच आए थे ना, तो आप सोचो कि डच भी इनको एक्सप्लोइट कर रहे हैं, मतलब डच जिनका मन भी नहीं है इंडिया में रूल करने का, वो भी फ्रेंच को तंग कर रहे थे। अब अगर डच भी फ्रेंच को तंग कर रहे हैं तो मैंने ऐसा क्यों कहा स्टार्टिंग में कि ये बहुत तगड़े थे? देखो, ये तगड़े होते हैं धीरे धीरे, और जब ये तगड़े होते हैं तो उस समय के ऊपर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लीडर। तो इनका सबसे खतरनाक जो लीडर है ना, वो आता है और उसका नाम होता है आपका, किसी को पता है नाम? बताओ, किसी को नाम पता है सबसे तगड़ा कमांडर जो था इनका? चलो, मतलब आप लोग को मतलब आइडिया नहीं है, ओके, फेयर इनफ। तो डुप्लेक्स नाम का कमांडर आता है इनका, इनका गवर्नर आता है। देखो, पहले तो एक गवर्नर था इनका,
ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत सारे गवर्नर्स आ रहे हैं। तो जब डुप्लेक्स नाम का गवर्नर आता है ना, तो उस समय के ऊपर जो इनकी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डुप्लेक्स की डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है, ठीक है, अगर छोटा सा भी कारण बन रहा है तो एग्रेसिव होता है एकदम से। अब आप देखो चाइना कैसा है, ठीक है, अगर चाइना की अपनी भी गलती होती है, चाइना फिर क्या करता है, डर दिखाता है, मतलब डराता है सब लोगों को। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सर मैंने कभी क्लास में डिस्कस किया होगा आपसे, कि एक बार क्या हुआ था कि चाइना कुछ मिसाइल्स वगैरह टेस्ट कर रहा था अपनी, और वो जो मिसाइल थी बेसिकली वो टेस्ट कर रहा था ताइवान के ऊपर, ठीक है, जो ताइवान उसकी एडवर्सरी है उसके ऊपर, उसके पास टेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा था, बस टेस्ट कर रहा था उस मिसाइल्स को। और उनमें से जो एक मिसाइल है वो जाके आपका जापान के जो इकोनॉमिक एरिया है, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं, जो समुद्र का एरिया होता है, जापान के पास गिर गया। तो जापान ने फॉर्मली कंप्लेन करी चाइना को, ठीक है, कि आपकी मिसाइल आ गई। देखो जापान ने बड़े सही तरीके से बोला कि आपने कहीं और अटैक किया था, आपकी मिसाइल यहाँ पे आ रही, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो चाइना काउंटर अटैक करता है, कहता है कि जो मिसाइल गिरी है ना वो आप चाइना के टेरिटरी में गिरी है। तो मतलब ऐसे पंगे लेना, ठीक है, टेरिटरी सबको पता है कि जो पानी है वो जापान का पानी है, ठीक है, वहां पे चाइना को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बट जब उसको कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो वो कहता है कि टेरिटरी तो हमारी है। अगर कभी इंडिया कुछ बोल दे किसी एरिया के बारे में, ठीक है, कि तुम पीछे हटो, कहते ये एरिया तो हमारा है, तो ये एक टेक्निक्स होती है कि मतलब इससे पहले कोई आपको डराए ना, आप और डराना शुरू कर दो। तो डुप्लेक्स वैसा ही था, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो सीधा उसको वॉर में कन्वर्ट करने की सोचता था, ठीक है। और यही कारण था कि आपका डुप्लेक्स सीन भी हुआ था। और जब आपका डुप्लेक्स कमांडर बनता है तो धीरे धीरे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से इनटॉलरेंट भी होते हैं, ठीक है। और भी कारण थे, डुप्लेक्स अकेला कारण नहीं है कि आपके फ्रेंच और जो अंग्रेज थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, और भी कारण है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें डिस्कस करना है कि लेटर ऑन, ठीक है, ड्यूरिंग 1740s, अब होता क्या है कि 1740s में, ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच एंटर्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विच रिजल्टेड इन कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, विच रिजल्टेड इन कार्नेटिक वॉर्स। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुई थी, तो यू मस्ट रिमेम्बर जो कि कार्नेटिक वॉर्स है, टोटल वो 3 कार्नेटिक वॉर्स आपकी हुई थी, और वो तीनों वॉर्स हुई थी आपकी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। अब कार्नेटिक वॉर्स का नाम कार्नेटिक कैसे पड़ गया, पर हम ये भी डिस्कस करेंगे। बताओ आपने यहाँ तक लिख लिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके, अब ये देखो, तो मोटा इंडिया हो गया, ठीक है, बट मान लो, अच्छा आपको पता है कि इंडिया में कोस्ट है बहुत सारा, ठीक है, तो जो यहाँ वाला कोस्ट है गुजरात वाला, क्या कहते हैं हम इस कोस्ट को, कच्छ एंड काठियावाड़। जो कोस्ट है आपका महाराष्ट्र के पास है, इसको क्या कहते हैं हम, आपको जल्दी बताओ, याद करो, कौन सा कोस्ट क्या होता है आपका, तटीय इलाका होता है ना, जो महाराष्ट्र का तटीय इलाका है उसका नाम क्या है, कोंकण, बराबर कोंकण, ठीक है, और जो आपका केरला का तटीय इलाका है वो कौन सा है, मालाबार मालाबार, ठीक है, और वैसे ही जो आपका तमिलनाडु और जो साउथ का आंध्र प्रदेश है, जो उसका कोस्ट है उसको क्या कहते हैं हम, कोरमंडल कोरोमंडल, और जो आंध्रा से लेकर जो पहुंचता है आपका ओडिशा तक उसको क्या कहते हैं हम, नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज इस कोरोमंडल कोस्ट को ही क्या कहते थे, कर्नाटिक, ठीक है, अंग्रेज इस कोरोमंडल कोस्ट को कहते थे कर्नाटिक। अब है क्या, देखो ये जो मैंने पॉइंट बनाया, दिस पॉइंट इज मद्रास, एंड ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, दिस पॉइंट इज पॉन्डिचेरी। अब ये पॉन्डिचेरी भी कोरोमंडल पे है और मद्रास भी कोरोमंडल पे है, ठीक है, तो दोनों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है
अंग्रेजों का भी और फ्रेंच का भी, दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोरोमंडल ही है। इसी कारण से जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो आपका कोरोमंडल के लैंड के ऊपर होगा, जिसको अंग्रेज कहते थे कर्नाटिक। तो जो तीन वॉर, ठीक है, जिसको हम थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर कहते हैं, तो तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है, उसको हम कर्नेटिक वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका पौंडिचेरी और मद्रास कोरोमंडल पे आता था और अंग्रेज और फ्रेंच इसी एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। टेरिटरी की कोई एम्बिशन नहीं थी, उनको बस ट्रेड चाहिए था, ठीक है। एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोमंडल कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी तमिलनाडु के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होके जाता है आपका ईस्ट इंडीज की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए नाम पड़ गया इसका कर्नेटिक। अब कर्नेटिक के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती है ना, इसके मल्टीपल कारण थे, लेकिन सबसे नॉर्मल कारण था कि आपके जो फ्रेंच और जो आपके इंग्लिश थे, ठीक है, आपके जो फ्रेंच एंड जो आपके इंग्लिश है, ये दोनों दोनों कौन से कॉन्टिनेंट में, बताओ? यूरोप यूरोप में, सिक्स ठीक है, यूरोप में। तो सिक्स जैसे ये सेवन आप, ठीक है, तो जैसे ये आपके यूरोप में होता क्या था कि जब यूरोप में कोई वॉर हुआ करती थी तो आपके फ्रेंच और इंग्लिश आपस में लड़ते थे, ठीक है। यूरोप तो पूरा पूरा वॉर से भरा हुआ है। जो ये जो समय चल रहा है ना इस टाइम के ऊपर, यूरोप में बहुत सारी वॉर हो रही है। एक कंट्री है आपकी ऑस्ट्रिया नाम की, ठीक है, ऑस्ट्रिया के लिए वॉर हो रही है। तो अच्छी खासी वॉर जो है वो आपकी चल गई है यूरोप में ऑलरेडी। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आज इंडिया और पाकिस्तान एशिया में लड़ रहे हैं अपने बॉर्डर के लिए, ठीक है, और इनकी एक फुल फ्लेज वॉर चल रही है, अगर इंडियंस और पाकिस्तानी कहीं और भी होंगे तो वो वहां भी लड़ेंगे, ठीक है। तो जब आपकी यूरोपियन वॉर्स चल रही थी, उन यूरोपियन वॉर्स का इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है लड़ने का, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है लड़ने का, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंच और जो इंग्लिश है सॉरी, जो आपके फ्रेंच और इंग्लिश है वो यहाँ पे भी लड़ रहे हैं क्योंकि वो यूरोप में भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कई बार हम कहते हैं कि आपका जो कर्नेटिक वॉर्स है इंडिया की ना, तो इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका ये जो काफी कर्नेटिक वॉर्स है, आपको याद रहेगा, आसान रहेगा याद करने में। तो जो कर्नाटिक वॉर्स है वर एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन यूरोप। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्नेटिक वॉर का एक मेन कारण क्या था कि अंग्रेज और जो फ्रेंच थे वो यूरोप में भी लड़ रहे थे और उसी स्ट्रगल की एक्सटेंशन कहाँ तक पहुंच गए, इंडिया में, ठीक है। अगर दो परिवार के बड़े लोग आपस में नहीं बोलते, उनके बच्चे भी आपस में नहीं बोलते, ठीक है, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश आपके वहां पे लड़ रहे थे और उन्हीं को जो है छोटी कंपनीज है वो यहाँ पे भी लड़ रही है, आपकी यहाँ पे भी स्ट्रगल शुरू होगी। तो एक तो आपका मेन कारण ये था, ठीक है। एंड सेकेंड रीजन जो है, ठीक है, जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि बोथ ट्राइड टू मेडल, देखो मेडल क्या होता है, बिचौला बनना, ठीक है। बोथ ट्राइड टू मेडल इन दी इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन रूलर्स। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं यहाँ पे, ये सेकंड कारण था इन वॉर्स का, कि यहाँ पे ना एक एम्पायर है आपका जिसको हम कहते हैं हैदराबाद, ठीक है। कर्नेटिक के पास ही क्या है आपका, हैदराबाद है, ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो बेसिकली आपका मुगल एम्पायर का हिस्सा होता है, ठीक है, और उस मुगल एम्पायर के जो हिस्सा है उसको अलग कर लेता है, ठीक है। एक बंदे हैं आपके, ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर द नेम, क्या नाम था आदमी का, जस्ट लेट मी सी, कभी कभी नाम स्ट्राइक नहीं करता, कभी नाम ही निजाम आते, सॉरी, सर निजाम यस, निजाम उल मुल्क, करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। एकदम से कभी नाम स्ट्राइक नहीं करता। तो निजाम उल मुल्क, ठीक है, तो याद रखना है कि निजाम उल मुल्क आपका एक व्यक्ति था, ठीक है, जो मुगलों के अंडर ही पहले कमांडर था, और उसने क्या किया
जब मुगल्स आपके वीक होना शुरू हो गए तो उसने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो बेसिकली निजाम उल मुल्क जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। तो जो हैदराबाद का जो निजाम है इसने अपना किंगडम आजाद कर लिया। अब हैदराबाद कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद इसी एरिया में पड़ेगा आपका। अब होता क्या है कि जब आपका निजाम मुल्क मुल्क की डेथ हो जाती है ना, तो इसका जो सन है और जो इसका ग्रैंड सन है उनके आपस के बीच में क्या होती है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ठीक है, और उस स्ट्रगल में देखो सिंपल सी बात है, तो एक लड़ रहा है निजाम मुल्क मुल्क का बेटा और एक लड़ रहा है निजाम मुल्क मुल्क का ग्रैंड सन। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इस स्ट्रगल में जीतेगा वो हैदराबाद का नया नवाब बनेगा। ठीक है, और जो हैदराबाद का नया नवाब होगा, जिसको जिसने उसको सपोर्ट किया होगा, उसको कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक साइड पकड़ लिया आपके अंग्रेजों ने, एक साइड पकड़ लिया आपकी फ्रेंच ने। अब ये भारत का इंटरनल मैटर है, ये इन रूलर्स का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये इनके मैटर में भी घुस गए। और जब सन और ग्रैंड सन आपस में लड़ रहे हैं, तब अंग्रेज और फ्रेंच भी आपस में लड़ रहे हैं। तो एक ये भी कारण था कि आपके एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है वो इंडिया में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दो ही कारण रहते हैं आपके इनकी वॉर्स के, कार्नेटिक वॉर्स क्यों होती होती है। अब जो कार्नेटिक वॉर्स के रिगार्डिंग जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है निजाम मुल्क मुल्क के बारे में, हैदराबाद के बारे में, कोरोमंडल के बारे में, कार्नेटिक के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, तो प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट टिल नाउ? सर, सेकंड रीजन एक बार समझाना। सेकेंड रीजन, देखो सेकेंड रीजन ये है कि जो आपका हैदराबाद है बेसिकली, ठीक है, हैदराबाद एक नया किंगडम बनता है, और उस नए किंगडम को कौन बनाता है? आपका निजाम उल मुल्क। जब निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो बेटा है और जो उसका पोता है वो आपस में लड़ पड़ते हैं कि अगला निजाम कौन बनेगा। देखो बेटे की भी उम्र अच्छी खासी हो रखी होती है और पोते की उम्र भी अच्छी खासी हो रखी होती है, तो ये ना आपस में लड़ते हैं कि अगला निजाम कौन बनेगा। ठीक है, और जब ये बेटा और पोता आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक को सपोर्ट करते हैं आपके फ्रेंच और एक को सपोर्ट करते हैं आपके अंग्रेज। तो ये इंडियन रूलर्स का आपसी मामला है, लेकिन उस आपसी मामले में कौन घुस चुका है? आपका फ्रेंच घुस चुके हैं। तो इसी कारण से आपकी एक कार्नेटिक वॉर होती है जब ये हैदराबाद के लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब बेसिकली लड़ाई हैदराबाद के बेटे और ग्रैंडसन के बीच में थी, बट बीच में इन्वॉल्व कौन हो गया? आपका फ्रेंच और अंग्रेज। तो इस कारण से आपकी सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है। आपको मैं हर एक वॉर बारी बारी लिखवाऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर वॉर के बारे में वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट फिलहाल के इतना समझो कि एक तो यूरोप में लड़ रहे थे इसलिए कारण था, और दूसरा कारण क्या है आपका कि इंडियन डॉलर्स लड़ रहे थे उनके साथ ये भी लड़ना शुरू हो गया आपस में। ठीक है, कि लड़ाई चल रही है तो हम भी लड़ लेते हैं, तो ये एक कारण था। देखो वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल का टॉपिक है आपका ये, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला कि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के उसके ऊपर से कम क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आई डोंट वॉन्ट यू कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए इन चीजों के अंदर, तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक टेबल सा ड्रॉ करेंगे और तीनों वॉर्स के बारे में जो है हम हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड वी विल डिस्कस ईच वॉर वन बाय वन। तो ये है आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और ये आपकी थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वॉर्स के रिगार्डिंग, आपको मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा, फालतू तो आपको नहीं बताऊंगा। देखो कारण क्या है, आपको ऊपर ऊपर से कारण पता है। ठीक है, तो पहले तो आपने सिंपली ये लिख लेना है कि इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन यूरोप। ठीक है, तो क्योंकि इनकी लड़ाई में, इनकी यूरोप में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की लड़ाई हो रही थी आपका, ऑस्ट्रिया पे कौन कंट्रोल करेगा, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, और उस वॉर में आपका एक तरफ आपके अंग्रेज थे और एक तरफ आपके फ्रेंच थे। ठीक है,
तो वही वॉर आपकी हो रही थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही थी कहाँ पे, आपकी यूरोप में, और वही वॉर आपकी यहाँ तक एक्सटेंड होगी, ठीक है, और उसी कारण से इनकी यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरा, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट, एक सेकेंड, बैटल ऑफ सेंट थॉमस वास फॉट। तो वॉर के दौरान बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं आपकी, ठीक है, जंग होती है, छोटी मोटी जंग होती है, तो उसमें से एक थी आपकी बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहते हैं, TH OME, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि बैटल ऑफ सेंट थॉम जो है वो आपकी यार बैटल ऑफ सेंट थॉमस है, आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के दौरान हुई थी, और अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, और अल्टीमेटली इसको शांत करने के लिए, इस वॉर को शांत करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो हर एक वॉर को एंड करने के लिए एक ट्रीटी होती है, ठीक है, और वो ट्रीटी कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ, थोड़ा सा उल्ट पटांग सा नाम है, एक्सला चैपलिंग यस, एक्सला शेफल, वेरी गुड, ठीक है, द ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल वॉज साइंड इन ऑर्डर टू कंक्लूड द वॉर। बस इतना याद रखना है आपने इसके बारे में, और कुछ नहीं। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बैटल ऑफ सेंट थॉमस किसके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉम किसके बीच में हुई थी, तो यू नो कि इट वाज फॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो इसका मतलब क्या है कि ये हुई होगी आपकी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, ठीक है, तो इट वॉज रिजल्ट ऑफ सक्सेशन वॉर। अब देखो ये भी सक्सेशन वॉर ही है, मतलब कि रूलर कौन बनेगा, सक्सेशन वॉर, ठीक है, विच स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क, ठीक है। कौन था निजाम उल मुल्क और कौन सा किंगडम इसने फाइंड किया था, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, तो इसने हैदराबाद फाउंड किया था आपका, ठीक है। तो अब रामुल मुल्क बिटवीन हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन। अब देखो नॉर्मल सिनेरियो में आपको मैं इसका बेटा और इसका ग्रैंडसन का नाम भी बताता, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आज तक कभी इतना डिटेल में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ, ठीक है। बस याद रखना है कि निजाम मुल्क मुल्क की डेथ के बाद, ठीक है, एक साइड को आपका अंग्रेज सपोर्ट करते थे, एक साइड को आपका ये लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो सिंपल इतना ही आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, और ये जो वॉर है, ठीक है, इसमें एक बैटल हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसको हम कहते हैं आपका बैटल ऑफ अम्बूर। तो इसी के दौरान, इस वॉर के दौरान जो इंपॉर्टेंट बैटल थी आपकी, तो इसको हम कहते हैं आपका बैटल ऑफ अम्बूर वॉस फॉट, ठीक है, तो बैटल ऑफ अम्बूर वॉस फॉट। अब इसके अलावा अगर ये बैटल वगैरह हुई है, तो इसके बाद इसको शांत करने के लिए कोई ना कोई ट्रीटी भी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हुई थी आपकी, ट्रीटी ऑफ पानीपत हाँ बताओ, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, पानीपुरी ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, करेक्ट, ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी वॉज साइंड। तो जब आपकी ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइंड हो गई थी, तो उसके बाद आपका ये जो जो बैटल है आपकी, ठीक है, ये शांत हो गई थी, जो वॉर आपकी शांत हो गई थी। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो ये इन दोनों बैटल में 0 ईयर्स का गैप है, मतलब कि 48 में ये वाली बैटल शुरू होती है और 48 में ये वाली बैटल जो है, जो ये वाली स्ट्रगल आपकी शुरू होती है। तो बस याद रखना है कि मतलब लगातार ही आपकी वॉर चल रही है, लगातार, ठीक है, इनको लड़ने का बहाना चाहिए। तो एंड सेकेंड कार्नेटिक वॉर के ड्यूरिंग डुप्लेक्स को भी तो बुलाया गया था। डुप्लेक्स तो कमांडर था इनका, ठीक है, डुप्लेक्स वॉज द कमांडर ऑफ दिस पीपल, डुप्लेक्स यहाँ पे था आपका, तो डुप्लेक्स का तो मैं आपको पहले बता चुका ना कि डुप्लेक्स वॉज द कमांडर ऑफ दिस पीपल, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब आपको नाम याद करना, ठीक है। देख सी आई एम नॉट मैंशनिंग इवन अ सिंगल नेम हियर, क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं है आपके इसके रिगार्डिंग, तो बस हमने ऊपर ऊपर से पढ़ना और जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं आपके ट्रीटीज के रिगार्डिंग, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इसका बेटा है आपका मुजफ्फर जंग है,
ठीक है, फिर आपका चंदा साहिब एक बंदा होता है, ठीक है, असद जहाँ एक बंदा होता है, मतलब देयर वर मेनी पीपल हु वर फाइटिंग दिस बैटल। तो हम अगर हमने करना है तो हम उनके बारे में कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट इग्नोर। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है आपकी, ये एक डिसाइसिव बैटल थी आपकी, ठीक है, दिस वॉज अ डिसाइसिव वॉर, और इस वॉर ने बेसिकली डिसाइड कर दिया कि आपके जो अंग्रेज हैं वो होंगे इंडिया के मास्टर्स, ना कि आपके फ्रेंच होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका ये बैटल शुरू हो जाती है, ये वॉर्स जो है आपकी, मतलब इसका भी कारण बेसिकली वही होता है आपका, इसको हम कहते हैं आपका 7 ईयर वॉर होती है बेसिकली आपकी ना, फिर से आपका यूरोप में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और यूरोप में आपकी एक 7 ईयर वॉर चलती है आपकी। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें लिखना है इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर बिटवीन एंग्लो फ्रेंच इन यूरोप, ठीक है, या एक सेकेंड, बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन यूरोप। अब ये भी आपका बैटल यहाँ पे शुरू हो जाती है, और इसके दौरान ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंग होती है जिसको हम कहते हैं आपका बैटल ऑफ वेंडिगोश वंडीवॉश, ठीक है, जिसको वंदावासी भी कहते हैं हम। तो जो आपकी बैटल ऑफ वंडीवॉश है, ठीक है, इट वॉज फॉट इन द ईयर 1716 एंड इट वॉज द मोस्ट डिसाइसिव बैटल। और इसके बाद तो आपका डिसाइड हो चुका था कि, मतलब देखो इसमें क्या है ना, इस बैटल में आपके जो फ्रेंच है वर डिफीटेड, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं दिस वॉज वॉज दी बिगिनिंग ऑफ देयर एंड। तो इनका यहाँ पे एंड हो जाता है, मतलब जो अंत है इनका, इनके अंत की शुरुआत हो जाती है, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट बैटल है, और अगर आपको तीनों बैटल में अगर एक को याद करनी है तो आप वंडी वॉर्स की बैटल याद करो जो कि आपकी 1760 में हुई थी, और 1760 की जो बैटल है इट वाज द मोस्ट डिसाइसिव वन, जिसमें आपके फ्रेंच हार गए थे, ठीक है, एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर एंड। बताओ यहाँ तक समझ आया आपको? यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड, वॉज साइंड टू कंक्लूड दी वॉर। तो बेसिकली वॉर को शांत करने के लिए आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है इन द ईयर 1763। ट्रीटी ऑफ पेरिस अमंग ऑल ट्रीटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो जो अंग्रेजों की और जो फ्रेंच की स्ट्रगल थी इंडिया में, तो उसका एंड कहाँ से होता है? आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस से होता है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइन जिससे आपकी वॉर एंड होती है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है बेसिकली इट वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर फ्रेंच, ठीक है। होता क्या इसके अंदर, नो मोर फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड नो मोर फोर्टिफिकेशन, कि आप जो फ्रेंच हैं आपके वो ना कोई नई फैक्ट्री लगा सकते हैं इंडिया में, ठीक है, और ना ही जो फैक्ट्री उनकी ऑलरेडी फैक्ट्री है उससे वो किला बना सकते हैं, ठीक है। किले का मतलब क्या है यार, आप खुद को डिफेंस कर रहे हो, ठीक है, और जो आपने दीवार भी बनानी है, दीवार भी एक सर्टेन हाइट के ऊपर नहीं हो सकती। इसी कारण से कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस ने कहीं ना कहीं आपका फ्रेंच को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया, और अगर आज भी आपको देखना पड़ेगा कहीं फ्रेंच आर्किटेक्चर है कहीं पे, तो वो कहाँ पे होता है इनका, पॉन्डिचेरी में ही होता है, और पॉन्डिचेरी के अलावा आपके फ्रेंच इसके बाद कहीं और नहीं बचते, ठीक है। आज भी आपके बहुत सारे लोग हैं पॉन्डिचेरी में जो, मतलब फ्रेंच ओरिजिन के, जो यहाँ पे रहते हैं, एंड वेन एवर देर आर इलेक्शन फॉर योर फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड ऑल, तो ये पॉन्डिचेरी के लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उस वोटिंग के अंदर, मतलब बेसिकली पॉन्डिचेरी में वोटिंग करवाई जाती है जब आपके फ्रांस में इलेक्शन होती है। तो
ये पौंडीचेरी आज भी एक इम्पोर्टेंट जगह है आपके फ्रेंच पीपल के लिए, एंड आज भी छोटी मोटी कोई टेरिटरीज हैं जो आपके फ्रेंच नेशनल्स, तो फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं, फ्रेंच नेशनल्स जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे पजेस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस वॉज द एंड ऑफ ऑल द स्ट्रगल बिटवीन ऑल द यूरोपियन पावर्स, एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ योर ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश नहीं, आपका एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और जितने भी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं वो स्ट्रगल करती हैं, और अल्टीमेटली जो आपका त्रिवेदी है, ठीक है, त्रिवेदी कौन है, देखा है आपने सेक्रेड गेम्स, कहते हैं ना सब मर जाएगा सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, नहीं देखी आपने कोई बात नहीं, तो डायलॉग है कि सब मर जाएंगे बस त्रिवेदी बचेगा। तो ऑब्वियसली जितने भी आपकी यूरोपियन पावर थी सब मर जाती हैं, और कौन अकेला बचता है यहाँ पे, इंग्लिश। एंड दे आफ्टर स्ट्रगल, दे केम आउट एज दी रियल मास्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आफ्टर स्ट्रगल्स दे केम आउट एज दी रियल मास्टर्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के ऊपर यही रूल करते हैं, और जो आगे का इतिहास है वो हम इन्हीं के अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, एंड वट एवर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क फ्रॉम यू इन योर एनडीए पेपर उसको हमने यहाँ पे डील कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग, आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेकेंड चैप्टर एज वेल। सर, हाँ डेन्स जी, का हेडक्वार्टर क्या था? ट्रेवनकोर, डेन्स का हेडक्वार्टर था आपका ट्रेवनकोर, ओके। एक ट्रेवनकोर था, एक और भी था इनका, अगर आपने उसका नाम लिखना है, देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू राइट देन वी कैन राइट कि आपकी बंगाल में एक जगह जिसका नाम है सेरमपुर, तो सेरमपुर भी इनका एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, इफ यू वॉन्ट टू एड देन यू कैन एड, बट डेन्स जो है वो सबसे अनइम्पॉर्टेंट लोग थे यहाँ पे, तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली बहुत कम आते हैं इनके रिगार्डिंग, ओके। जो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस मीटिंग को ज्वाइन करो तो अपने रियल नेम के साथ ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई बाहर का बंदा आ जाता है फिर वो मीटिंग को डिस्टर्ब करता है, तो मैंने तो बस एक डेकोरम के लिए बोला हुआ है कि वेन एवर यू विल ज्वाइन द मीटिंग काइंडली ज्वाइन द मीटिंग विद योर रियल नेम्स, ठीक है। तो नाउ आई कैन सी कि देयर टू कैंडिडेट्स जो अपने नाम से जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, ठीक है, इट डजेंट टेक मच ऑफ अ टाइम, तो प्लीज अपना नाम चेंज कर लो, इसी अगर डेकोरम बनाना चाहिए क्लासेस को, ठीक है। चलिए, एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस चैप्टर? अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 सालों में आपके मैक्स टू मैक्स 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक्स में से, जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया है ना, 5 to 6 टॉपिक्स आ रखे हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं आपके इस फर्स्ट टॉपिक में से रिगार्डिंग योर एडवेंट्स, तो इसको सिर्फ इतना ही पढ़ो। देखो बहुत वास्ट टॉपिक है, आप देखो हमने अगर देखा जाए तो हमने 1498 से लेकर 1763 तक का इतिहास हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो सोचो कि हमने कितनी चीजें बीच की इग्नोर की होंगी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, इट्स अ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, 250 साल से ऊपर का पीरियड है आपका, बट वी हैव डिस्कस इट वेरी फास्ट, तो इसका मतलब ये कि हमने बहुत चीजें इग्नोर भी करी हैं बीच में, बिकॉज इट इज अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर क्लियर विद दिस डाउट्स, तो मैं ये करूंगा ना, आई विल फाइंड सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल सेंड दिस क्वेश्चंस इन योर ग्रुप, तो इस ग्रुप में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, चलेगा ऐसे। इसी टॉपिक्स में से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं ना एनडीए में और सीडीएस में, तो उन क्वेश्चन को मैं सेग्रीगेट करके आई सेंड दिस क्वेश्चन इन योर ग्रुप, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेना और मुझे बता देना कोई डाउट अगर आपको आया तो, ओके। देखो हर बार आपको को क्वेश्चन बिल्कुल प्लेट में सर्व किया हुआ नहीं मिलेगा, कई बार जो क्वेश्चन है आपको उसके लिए खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तो प्लीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है, और ये मत बोलना कि ये चीज तो आपने बताई नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं आपके एनडीए में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका जीकेटी का पेपर है डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन समटाइम्स आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसका हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता है किसी और चीज के साथ, तो थोड़ा बहुत रिलेशन का थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के देखना चीजें निकल जाती हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, उनको ट्राई करना है, सेंड सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, और वो है आपका एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर
इन इंडिया। अब देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो आपका एंड की स्ट्रगल है, उस एंड की स्ट्रगल में आपका बचता है सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिश एम्पायर की जो टेरिटरीज हैं या जो भी जगह हैं आपकी ब्रिटिश एम्पायर जो भी किसी और से भी एक्वायर की होंगी, वो तो कहाँ कहाँ के ऊपर है? देखो एक तो आपका सूरत हो गया, ठीक है, एक आपका बॉम्बे हो गया, ठीक है, फिर आपका मद्रास हो गया, ठीक है, फिर आपका एक कलकत्ता हो गया। देखो इसके अलावा और भी टेरिटरीज थी, लेकिन मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जिसको जिसको हम कह सकते हैं आपका हुगली। और छोटी मोटी और भी टेरिटरीज थी, जैसे एक टेरिटरी इनकी आगरा हुआ करती थी, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंड करके अपने आप को कैलीकट में भी इन्होंने बसा लिया था। लेकिन ये जो जगह है, ये जो जगह है आपकी, अगर हम आगरा की एक्सेप्शन ले ले, ठीक है, तो बाकी जगह में क्या कॉमन है आपको? कोस्टल एरिया, कि ऑल दिस एरियाज आर कोस्टल टाउन्स, ठीक है, और कोस्टल एरियाज में आप सामान लेके जा सकते हो, लेकिन जो असली सामान होता होगा वो तो भारत के सेंटर में होता होगा ना। तो एक्सपेंशन का यही मतलब है कि नाउ ब्रिटिशर्स विल ट्राई टू मूव इनसाइड इंडिया, ठीक है, फ्रॉम दिस कोस्टल टाउन्स दे विल ट्राई टू मूव इनसाइड इंडिया एंड दे विल ट्राई टू ग्रीप सम एरियाज, दे विल ट्राई टू गेन सम एरियाज, ओके। अब ब्रिटिशर्स पता क्या होता है, लालच की कोई अंत नहीं होता है। पहले अंग्रेज सिर्फ इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे, इन इनकी इंडिया से और कोई सही बात। एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, ठीक है, दे जस्ट वॉन्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, दे डिडंट हैड एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब इनको ट्रेड करने को मिल गया तो इनको लगा पता कि बाकी यूरोपियंस भी ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ना हम अकेले ट्रेड करें यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपका, ये चाहते हैं कि क्यों ना हम अकेले ट्रेडर्स रहे, तो इन्होंने वॉर शुरू कर दी। और जब इन्होंने अल्टीमेटली हर एक यूरोपियन पावर को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया, तो ये अकेले ट्रेडर बच गए। तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि अकेले ट्रेडर हैं आपके यूरोप से इंडिया में ट्रेड करने वाले। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो है लालच का कोई अंत नहीं है, तो अगेन ये लोग थोड़ा सा और एम्बिशियस होते हैं, और उस एम्बिशन के चक्कर में ये क्या करते हैं, ये इंटरनली एक्सपेंड करते हैं। ये सोचते हैं कि हम बाहर से पैसा लेके आते हैं, उस हम यूरोप से पैसा लेके आते हैं, और उस यूरोप के जो पैसा है, जो पाउंड है, उसको हम इंडिया में खर्च करते हैं और इंडिया से सामान लेके जाते हैं। अगर हम इंडिया में है ही है, तो क्यों ना हम यहाँ का जो सामान है उसको खरीदने के लिए जो पैसा है वो भी इंडिया से ही कमाना शुरू कर दे, ठीक है। तो अदर देन ट्रेडिंग दे वांटेड कि उनको थोड़ा सा एरिया मिल जाए जहाँ पे ये और भी कुछ काम कर सके, ठीक है, राजाओं के लिए कुछ काम करना शुरू कर दे, राजाओं के बिहाफ के ऊपर कोई काम करना शुरू कर दे, अपने सिक्के छापना शुरू कर दे, कहीं से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर वो इंडिया से पैसा कमाएंगे तो इनका ट्रेड जो है वो और प्रॉफिटेबल हो सकता है, और इंडिया से अगर इनको पैसा कमाना है, ठीक है, ट्रेड के अलावा अगर इनको इंडिया से पैसा कमाना है, देन दे विल हैव टू एक्वायर सम टेरिटरीज। इनको एक चीज तो पता थी कि हमारे पास क्या है, आर्मी है। इनकी जो आर्मी थी ऑब्वियसली वो बाकी आर्मियों से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में आज तो खासा फर्क नहीं है, इंडियन आर्मी इज फार बेटर देन ब्रिटिश आर्मी, बट उस टाइम के ऊपर तो आपका फर्क था। तो कहते थे क्यों ना हम अपनी आर्मी की सर्विसेज देना शुरू कर दें, ठीक है, उस सर्विसेज के बदले हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि हर राजाओं के साथ अपनी आर्मी को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और जब आर्मी इन्वॉल्व होती है, कभी लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है, ठीक है, तो उस दौर के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद को एक्सपेंड करते हैं, और धीरे धीरे इन कोस्टल एरियाज के जो बाद की जो टेरिटरीज हैं उसको वे एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका एरिया है, ठीक है, दिस वॉज द एरियाज कंट्रोल्ड बाय मराठास, ठीक है, दिस वॉज द एरिया कंट्रोल्ड बाय मराठास, ओके, एंड दिस वॉज द एरिया कंट्रोल्ड बाय मैसूर, दिस वॉज द एरिया कंट्रोल्ड बाय बंगाल, अगर मैं ऊपर की बात करूँ यहाँ पे तो दिस वॉज द एरिया कंट्रोल्ड बाय सिख, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ऊपर को एक्सपेंड करते हैं, और अब ये चाहते हैं कि हम और ज्यादा कंट्रोल करें एरिया को। तो इस कारण से आपकी बहुत सारी वॉर्स होती हैं अगले दौर में। पहले आपके यूरोपियंस लड़ रहे थे आपस में, जिसमें ब्रिटिशर सक्सीड हो गए थे, अब आपका ब्रिटिश लड़ेगा इंडियन एम्परर्स के साथ या इंडियन रूलर्स के साथ, जिसके बाद
ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी एक पोजेशन, जमीनों की पोजेशन मिल जाएगी, और जिसके बाद अंग्रेज एक्चुअली बन जाएंगे इंडिया के डायरेक्ट रूलर्स, दे विल बिकम द डायरेक्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ वॉर्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों के हाथ में बंगाल कैसे लगा, और बंगाल के रिगार्डिंग आपके तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही। एक है आपका बैटल ऑफ प्लासी, कि बंगाल के ऊपर कब्जा करने के लिए इनको लड़ना पड़ा प्लासी का युद्ध। अब देखो ये साल बहुत जरूरी है आपके लिए, 1757। फिर इनको लड़ना पड़ता है एक युद्ध जिसको हम कहते हैं आपका बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है इनको 1764 में, ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होती है आपकी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद आपकी ट्रीटी होती है अलाहाबाद की, और उस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद आपका बंगाल का जो कंट्रोल है वो अंग्रेजों के हाथ में गिर जाता है, ठीक है। फिर आपका लड़ते हैं ये किसके साथ, मराठास के साथ। देखो जहां ये लड़ा है ना मराठास के साथ, साइमल्टेनियसली ये लड़ रहे हैं आपके मैसूर के साथ। मराठास में आपके पेशवा हुआ करते थे, ठीक है। तो क्यों लड़ाई की मराठास के साथ वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी होती है मराठास के साथ तीन एंग्लो, देखो एंग्लो जहाँ वर्ड आ गया वो क्या हो गया अंग्रेज, तो यहाँ पे होती है आपकी एंग्लो मराठा वॉर्स, और इन तीन वॉर का रिजल्ट क्या होता है, मराठास की जो टेरिटरी होती है वो अंग्रेजों के हाथ लग जाती है। मैसूर के ऊपर रूल करते हैं हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, और यहाँ पे होती है आपकी चार एंग्लो मैसूर वॉर। और उन मैसूर के युद्ध के बाद जितना भी आपका मैसूर का एरिया होता है ये पड़ जाता है अंग्रेजों के हाथ, ओके। फिर होती है आपकी सिख के साथ कुछ वॉर होती है आपकी, और सिख के साथ लड़ते हैं आपकी ये टू एंग्लो सिख वॉर। पता है कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिख के साथ कितनी वॉर हुई थी, आप अंग्रेजों के साथ कितनी वॉर हुई थी आपकी, दे आर सम डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एनडीए में आ चुके हैं पहले, तो इसलिए आपको मैं पहले लिखा रहा हूँ, ठीक है। और हमने यही करना है, हमने यही चार टेरिटरीज करनी है, क्योंकि हालांकि इनकी लड़ाई आपकी बर्मा जिसको हम म्यांमार कहते हैं वहां पे भी हुई, इनकी लड़ाई गुरखा यानी कि जो आपके नेपाल के एरिया वहां पे भी हुई, अफगान के साथ भी हुई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज आपका भारत का हिस्सा नहीं है। तो वी डो नॉट कवर दीज थिंग्स इन अंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, बट ये जो आपका सामने मैंने इस समय के ऊपर लिखा हुआ ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये करनी है, तो टुमारो वी विल ट्राई टू कवर अप मतलब एज मच एज पॉसिबल। तो ज़्यादा ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम कल बंगाल कर पाएंगे और मराठास कर पाएंगे, ठीक है। तो टुमारो वी विल ट्राई टू फिनिश अप द योर बंगाल एंड मराठास, कि कैसे अंग्रेज अपना जो कंट्रोल है वो हम बंगाल के ऊपर फैलाते हैं और मराठास के ऊपर फैलाते हैं, ठीक है। तो विद दिस आई विल एंड टुडेज क्लास ऑफ हिस्ट्री।